हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो में मैंने आप सभी का रिस्पांस देखा। आप सभी ने हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर किया है एंड आई एम श्योर आप आगे भी इस तरीके से चीज़ों को रिविजन मोड पर लेके चलते रहेंगे, बिकॉज रिविजन ही एक बेसिकली तरीका है इन सब चीज़ों को याद करने का। बिकॉज आप जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन सब में इतने ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं कि जब तक आप चीज़ों को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्म में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिविजन में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी कोई भी डाउट है तो आप उसको हमेशा शेयर कर सकते हैं। ओके, तो बाकी टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चंस मिल जाए करेंगे रिवीजन के लिए। हर एक वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में पार्लियामेंट्री फंक्शंस को अच्छे से डिटेल में देख लिया था, आज हम बात करेंगे राज्यसभा की पोजिशन। ठीक है, किस तरीके से राज्यसभा जो है इक्वल है लोकसभा के, कहाँ पे किन किन चीज़ों में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, किन किन केसेस में राज्यसभा को ज़्यादा पावर दी है, कुछ ऐसे केसेस है, तो उन सभी को आज हम डिटेल में देखेंगे। ऑल दो ये सारी चीज़ें जो इनके अंदर लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। बस पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसमें एंड के जो टॉपिक्स हैं उन्होंने इस सब चीज़ों को समराइज करके एक जगह लिख दिया है, तो बस हम उसको गो थ्रू कर लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जहाँ पे राज्यसभा इज इक्वल टू द लोकसभा, यानी जो भी पावर लोकसभा को दी गई है सेम पावर जो है राज्यसभा भी इंजॉय करता है, वो कौन कौन से केसेस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, यानी कोई भी ऑर्डिनरी बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात हो या फिर किस तरीके से उसको पास करना है, यानी सेम पावर आपको लोकसभा के पास भी है सेम राज्यसभा। यानी ऑर्डिनरी बिल की अगर बात हो तो राज्यसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और जिस तरीके से लोकसभा पास करेगा उस तरह से राज्यसभा के पास पावर है कि वो सारी चीज़ों को उस तरीके से पास कर सकता है। अब ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनका प्रोसीजर होता है, कैसे उन्हें पास किया जाता है, तो वो सब हमने पार्लियामेंट के चैप्टर में यानी पुरानी वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है द इंट्रोडक्शन पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, यानी जब भी बात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की आती है, जैसे कि हमने बात की थी पहले भी लास्ट टॉपिक में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाले जो भी बिल्स होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको इनिशिएट कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो पावर नहीं होती। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है तो पार्लियामेंट इन द सेंस कि लोकसभा भी इसको इनिशिएट कर सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है, सिमिलरली राज्यसभा भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो प्रोसीजर होता है पास करने का वो भी दोनों में सेम होता है। थर्ड फंक्शन है इंट्रोडक्शन एंड द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस तरीके से पैसा निकालना है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर होगा, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल बिल होता है तो उसको इंट्रोड्यूस भी लोकसभा कर सकता है और राज्यसभा कर सकता है, और पास करने का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो भी दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट है इलेक्शन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शन की बात करें, ठीक है, जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके राज्यसभा के मेंबर भी इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में और लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं। इम्पीचमेंट की बात करें तो लोकसभा के अगेन मेंबर होते हैं, देन राज्यसभा के भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्शन एंड द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। However, राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी विच इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एग्रीड टू इट बाय द लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। यानी अगर सिंपली बात की जाए तो इलेक्शन और रिमूवल जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, However, राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी जब वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात होगी तो आपको देख सकते हैं किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा के पास पावर होती है, बट अगर राज्यसभा में अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उस केस में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है कि वो उनके रिमूवल का जो कह सकते हैं रिजोल्यूशन है वो इनिशिएट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही। ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन पास्ट किया जाएगा यानी फर्स्ट टाइम जो इनिशिएट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है, और किस मेजॉरिटी के साथ, इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ। और इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, ठीक है, ये अगेन हमने अमेंडमेंट वाले चैप्टर में कंप्लीट कर रखा है,
कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी एक तरह का स्पेशल मेजोरिटी की तरह ही होती है। तो राज्यसभा इसे को इनिशिएट करेगा रिमूवल को, बस लोकसभा के पास ये होता है कि लोकसभा को उसको एग्री करना होता है बाय सिंपल मेजोरिटी के साथ। नेक्स्ट है मेकिंग द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी कि सेम लोकसभा के जो मेंबर्स हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, इन दोनों के पास पावर है कि वो बेसिकली प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। यानी दोनों के पास पावर है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं कि आप जो भी चीफ जस्टिस हैं, अगर उन्होंने कुछ इस तरीके से काम किया तो उनको रिमूव करना है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्या के कोई मेंबर है, अगर उनको रिमूव करना है तो दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो है रिकमेंडेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। सिमिलरली अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जब लेके आते हैं तो उस ऑर्डिनेंस को जो अप्रूवल देना होता है, तो जो अप्रूवल है दोनों साइड से इंपॉर्टेंट होता है। लोकसभा भी अपना सेपरेटली अप्रूवल देगा, राज्यसभा भी अप्रूवल देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट जो तीनों तरह की एमरजेंसी लगाते हैं, उन तीनों टाइप की जो इमरजेंसीज होती हैं उनको जो बाद में अप्रूवल देना होता है, वो भी लोकसभा भी सेपरेटली अप्रूवल देगा, राज्यसभा भी अपना अप्रूवल देगा, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज जो इमरजेंसी वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रेजिडेंट के पास पावर है, ठीक है, किस तरीके से दोनों हाउसेस में अप्रूवल होता है। सिमिलरली प्रेजिडेंट किस तरह से ऑर्डिनेंस लाता है, किस तरह से दोनों हाउसेज उसको अप्रूवल देते हैं, तो हर एक चीज़ हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे उन चीज़ों को डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। यानी इसमें बोला गया है कि जो भी मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करना हो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास पावर है, क्यों? बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जरूर नहीं है सिर्फ लोकसभा से ही आ सकता है, राज्यसभा से भी मेंबर्स जो चुन के आते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। तो जरूर नहीं है कि सिर्फ मिनिस्टर वही बनेगा जो लोकसभा का मेंबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज पास्ट में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, पहले वो पहले राज्यसभा के मेंबर थे, उन्हीं के थ्रू वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबरशिप, कहीं की मेंबरशिप को दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा, पर वो रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए होंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर, स्पेसिफिकली देखें तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इन जनरल वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज लाइक फाइनेंस हो गया, कमीशन, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट हो गई, देन आपका यूपीएससी की रिपोर्ट जो होती है, कैक की रिपोर्ट जो होती है, उन इन सब की, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, ये सब जो भी अपनी रिपोर्ट्स बनाती हैं, तो उन सभी रिपोर्ट्स को जो कंसिडर करना होता है, यानी उनको देखना होता है कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं लोग प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने टेबल में रखते हैं। अभी दोनों हाउसेस के जो भी मेंबर्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, एंड देन उस पर फिर काम किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इन रिपोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही रीड नहीं करेंगे, राज्यसभा के पास भी सेम पावर है उन सबको कंसिडर करने की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूपीएससी कमीशन, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जैसा कि हम जानते हैं जो ज्यूरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आज की डेट में हम रिड्यूस नहीं कर सकते, हाँ, बट जो इसको एनलार्ज करने की जो पावर है वो किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास। यानी जब भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को बढ़ाना होगा या फिर यूपीएससी जो है उसके ज्यूरिडिक्शन को बढ़ाना होगा, तो उस केस में लोकसभा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना राज्यसभा है, ठीक है। दोनों के पास इक्वल पावर है इस केस में भी। तो ये सारे केसेस हमने देख लिए जहाँ पे लोकसभा की पावर जो है इक्वल है राज्यसभा के। नेक्स्ट हम कुछ केसेस देखेंगे जहाँ पे बोला जाता है कि राज्यसभा इज़ अनइक्वल टू द लोकसभा, ठीक है। यानी राज्यसभा इज़ अनइक्वल टू लोकसभा, यानी इस पर्टिकुलर केसेस हम देखेंगे जहाँ पे जो लोकसभा है उसको सबसे ज़्यादा पावर मिली है एज़ कम्पेयर टू दी राज्यसभा, ठीक है। वो कौन कौन से केसेस है वो हम देख लेते हैं।
पहला बोला है मनी बिल। तो जैसा कि हम जानते हैं मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, कैसा चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने मनी बिल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, इट शुड रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन द 14 days आइदर विद रिकमेंडेशन और दी विदाउट रिकमेंडेशन, ठीक है। यानी कि अगर मनी बिल लोकसभा ने इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस करने के बाद राज्यसभा के पास भी जाएगा, अब राज्यसभा के पास जब जा रहा है वो बिल, तो ना ही वो उसको अमेंड करने के लिए बोल सकता है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। यानी कि उस पर उसको बेसिकली अपना अप्रूवल देना ही पड़ेगा, एंड 14 दिनों के अंदर देना पड़ेगा, यानी विद इन 14 days के अंदर उन्हें वो बिल पास करके लोकसभा को देना पड़ेगा, चाहे वो रिकमेंडेशन के साथ दें या फिर विदाउट रिकमेंडेशन दें, बट 14 दिन के अंदर उनको बेसिकली उस मनी बिल को पास करना पड़ेगा अपने हाउस से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट है, हाँ उसी चीज़ को बोला गया है कि तब जब लोकसभा के पास आता है तो लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट ऑल ऑफ एनी रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। इन बोथ द केसेस मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय 2 houses। यानी कि राज्यसभा ने अगर मान लो रिकमेंडेशन दी हो या ना दी हो, अगर इनकेस अगर दी है तो उसको एक्सेप्ट करना है या फिर पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। लोकसभा को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि राज्यसभा के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आई है आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। बिकॉज लोकसभा के पास ही पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। तो यानी इन दोनों केसेस में ही मनी बिल को पास माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सोली मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110 ऑल्सो कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा बट विद रिगार्ड टू इट्स पैसेज बोथ हाउस ऑफ इक्वल पावर, ठीक है। तो यानी अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, ऐसा फाइनेंशियल बिल जो कंटेन नहीं कर रहा ऐसे मैटर जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं, तो ऐसा फाइनेंशियल बिल क्या है क्या नहीं है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पे आप जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सिंपली बोला जा रहा है कि ऐसा फाइनेंशियल बिल जो कंटेन नहीं करता ऐसे मैटर जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने की पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। सिर्फ लोकसभा ही इसको इनिशिएट कर सकता है, बट जब जब बात पैसेज की होगी, पास करने की होगी, तो लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल इज और नॉट इज वेस्टेड विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो लोकसभा के जो मेन स्पीकर होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सेटिंग ऑफ द बोथ दी हाउसेज। तो नॉर्मली केस में क्या होता है, जो भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, अगर मान लो इनकेस दोनों मतलब लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा के पास भेजे, राज्यसभा ने 6 महीने हो गए कुछ उस पर मतलब आंसर नहीं किया, एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए प्रेजिडेंट जो होते हैं जॉइंट सेटिंग बुलवाते हैं, और उस जॉइंट सेटिंग को प्रिजाइड कौन करता है, हमारे स्पीकर करते हैं, ठीक है। अब जब जॉइंट सेटिंग की बात आती है, तो लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस विद द बैटल इन द जॉइंट सेटिंग एक्सेप्ट व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउसेज लेस देन अपोजिशन पार्टी। यानी कि अगर जॉइंट सेटिंग होगी, जॉइंट सेटिंग का मतलब है प्रेजिडेंट क्या करेंगे, दोनों हाउसेज के मेम्बर्स को बुलाएंगे, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी, और इस पूरी सेटिंग को हमारे स्पीकर प्रिजाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सबसे ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि लोकसभा उस पर्टिकुलर जॉइंट सेटिंग को जीत जाती है बिकॉज उसके पास ज़्यादा मेंबर होते हैं, बट इन केस अगर कंबाइंड स्ट्रेंथ जो है रूलिंग पार्टी की इन दोनों हाउसेज में, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी कुछ रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, अगर उनके ज्वाइन अगर उनका कॉम्बिनेशन देखे, यानी कंबाइन कर दे उनके मेंबर्स को, अगर उनका कॉम्बिनेशन लेस होता है यानी कम होता है अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, तब उस केस में जो है लोकसभा जॉइंट सेटिंग में हार सकती है। बट नॉर्मली देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में हो तो उसकी स्ट्रेंथ जो है अगर दोनों हाउसेज को कंबाइन कर तो ज़्यादा ही निकल के आती है, तो बहुत कम चांसेस है कि जो रूलिंग पार्टी है वो जॉइंट सेटिंग कर रही है और उसमें भी वो हार जाए, तो ऐसे चांसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट विच इज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। ये तो हम आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बार हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि किस तरीके से जो भी डिमांड्स होती हैं उनमें डिस्कशन तो लोकसभा राज्यसभा दोनों करते हैं, बट वोटिंग सिर्फ लोकसभा के पास ही है, वो कि वो उसका एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का। नेक्स्ट पॉइंट है अ रेजोल्यूशन फॉर द डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा एंड नॉट बाय द राज्यसभा। यानी कि
अगर मान लो कोई पर्टिकुलर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, उस नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना यानी ख़त्म करना है, तो उसका रेजोल्यूशन जो पास करेगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकती है. क्यों? बिकॉज लोकसभा में जो एग्जीक्यूटिव है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वो चीज़ लगवाई होती है बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इस तरह से कंडीशन है तो आप इसको लगवा दीजिए. तो प्रेसिडेंट लगाते हैं, बट किसके भी यहाँ पे लगाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के. तो इसलिए अगर डिसकंटिन्यू करने की बात होगी तो उस केस में लोकसभा ही उसको उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करेगी, राज्यसभा में पास नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. ऑब्वियसली बात है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे आ सकता है? लोकसभा में ही आ सकता है. ठीक है, तो राज्यसभा उस तरह के मोशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती अपने हाउस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए. दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ओनली टू लोकसभा. ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट राज्यसभा कैन डिस्कस कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है पॉलिसी एंड एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट. बट ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पास बेस केस से बिल्कुल भी पावर नहीं है. तो राज्यसभा के पास क्या पावर है कि जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज तो कर ही सकता है. तो इस तरह से बस यही चीज़ें जो है राज्यसभा परफॉर्म कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से राज्यसभा के पास किन किन चीज़ों में पावर कम है एज कम्पेयर टू लोकसभा. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे राज्यसभा है स्पेशल पावर दैट आर नॉट एट ऑल शेयर्ड विद द लोकसभा. यानी इस केस में जो भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर राज्यसभा के पास है, उस पर्टिकुलर केस पे लोकसभा के पास भी पावर नहीं है वो. ठीक है, तो कौन कौन से केसेस है वो अभी हम देख लेते हैं. तो राज्यसभा हैज़ बीन गिवन 4 एक्सक्लूसिव और कह सकते हैं स्पेशल पावर दैट आर नॉट एंजॉयड बाई द लोकसभा. ने लोकसभा के पास बिल्कुल भी वो पावर नहीं है, वो एक एक्सक्लूसिव पावर है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को मिली हुई है. सबसे पहले आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, आर्टिकल 67 एंड देन आर्टिकल 352, 356 एंड 360. सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 249 की. ठीक है, बात करता है इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट. यानी स्टेट लिस्ट में जैसे कि हम जानते हैं जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है. बट अगर उन स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो उस केस में राज्यसभा जो है पर्टिकुलर रेजोल्यूशन ला के पार्लियामेंट को, ठीक है, ये बेसिकली ऑथराइज कर सकती है कि आप जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाओ जो कि स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है. तो ये काम जो रेजोल्यूशन लाने का काम सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ही है. सेकंड है कि इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट. तो आज की डेट में जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका पहला है फॉरेस्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस है, तो इन सर्विस के अलावा इन फ्यूचर अगर मान लो कोई भी सर्विस अगर और इनिशिएट करनी है तो वो इनिशिएट करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो राज्यसभा के पास है. ये लोकसभा को भी पावर नहीं दी गई है कि वो इस तरह की सर्विस को इंट्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, यानी राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अगर लानी होगी तो वो उस चीज़ को इनिशिएट करेंगे अंडर आर्टिकल 312. नेक्स्ट है इट अलोन कैन इनिशिएट अ मूव फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. इन अदर वर्ड्स द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा नॉट इन द लोकसभा. ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमने डिस्कस करी है कि आर्टिकल 67 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो उनके रिमूवल का जो भी रेजोल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही लेके आ सकता है, लोकसभा नहीं लेके आ सकता. नेक्स्ट है इफ अ प्रोक्लेमेशन इज इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग अ नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. तो अगर इस तरह का प्रोक्लेमेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, इन तीनों इमरजेंसी को लगाया जाता है एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्वड और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस विद इन द पीरियड अलाउड फॉर इट्स अप्रूवल, देन द प्रोक्लेमेशन कैन बी रिमेन इफेक्टिव इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा लोन. यानी सिंपली ये बोला जा रहा है कि नॉर्मली आप जानते हैं कि जब इस तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है तो मान लो लोकसभा थी और राज्यसभा थी, जब ये इमरजेंसी आई गई तो उस समय अगर मान लेते लोकसभा डिसॉल्व थी, यानी लोकसभा उस पर्टिकुलर सेशन में थी नहीं या फिर वो सेशन डिसॉल्व हो रखी थी, तो उस केस में भी या फिर
डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस विद इन द पीरियड टू अलाउड फॉर इट्स अप्रूवल, यानी कि जब प्रेसिडेंट ने उसके अप्रूवल का समय दिया हुआ था तो उस पर्टिकुलर समय में, यानी उस अप्रूवल का जो टाइम पीरियड था, उस समय लोकसभा का डिसॉल्व हो गई हुई होगी, तो उस केस में, यानी इन दोनों ही केसेस में, राज्यसभा अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर अप्रूवल दे देती है तो वो अप्रूवल जो है मान्य होगा। आप उसको इनइफेक्टिव नहीं बोल सकते कि भाई लोकसभा तो थी नहीं सेशन में, तो कैसे सिर्फ राज्यसभा के अप्रूवल से जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, रिजोल्यूशन हो रखा है, तो सिर्फ अगर राज्यसभा भी होगी तब भी प्रेसिडेंट जो है इन तीनों इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है ओनली बाय द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। बट जैसे ही फिर लोकसभा अपने सेशन में वापस आएगी तो वो भी अपना फिर बाद में अप्रूवल दे देगी, बट अगर सिर्फ राज्यसभा है तो उसके अप्रूवल से हो सकता है। तो ये चीज़ अंडर आर्टिकल 352, 356 और 360 में मेंशन है। ओके, तो यानी कि अब हम कह सकते हैं एन एनालिसिस ऑफ द अबव पॉइंट मेक इट क्लियर दैट द पोजिशन ऑफ राज्यसभा इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इज नॉट एज वीक एज दैट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम और एज अ स्ट्रॉन्ग दैट ऑफ सेनेट इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। तो यानी अगर हम दो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक तो यूके की यानी ब्रिटेन की और एक अमेरिका की, ठीक है। तो यूके का जो आपका अपर हाउस होता है, जैसे हमारे अपर हाउस कौन सा, राज्यसभा है, सिमिलरली यूके का जो अपर हाउस है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और अमेरिका के अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर यूके का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पे उनका जो ये अपर हाउस है उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा वीक है, मतलब उनके पास इतनी पावर नहीं है। सिमिलरली अमेरिका का जो सेनेट देखिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमने क्या किया, यानी इंडिया ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमने अपने राज्यसभा को यानी कि अपने जो अपर हाउस है उसे ना ही इतना वीक रखा जितना यूके का है, ना ही इतना स्ट्रांग रखा जितना अमेरिका का। तो एक तरह मिडिल पाथ जो है हमारा राज्यसभा इंजॉय करता है, ठीक है, ना ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट अगर हम देखें कि एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल मैटर्स एंड द कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द पावर एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा इन ऑल द अदर स्फीयर आर ब्रॉडली इक्वल एंड कोऑर्डिनेट विद दैट ऑफ लोकसभा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को छोड़ दिया जाए और जो कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब जैसे उनका कि वो सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन दो मैटर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक स्फीयर में जो पावर है और जो स्टेटस है एक लोकसभा का, वही सेम पावर स्टेटस जो राज्यसभा भी इंजॉय करता है, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट विद दैट ऑफ लोकसभा, ठीक है। इवन दो द राज्यसभा हैज़ बिन गिवन लेस पावर एज कम्पेयर टू लोकसभा, बट इट्स यूटिलिटी सपोर्टेड ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड, ठीक है। बट जिन जिन स्फेयर में हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं है जितनी लोकसभा के पास पावर है, तो हम उस केस में ये नहीं कह सकते कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है तो राज्यसभा उस केस में जो है उसकी यूटिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगी। नहीं, यूटिलिटी उसके हमेशा बरकरार रहती है, वो हमें इन तीन चीज़ों से पता चलेगा। पहला, द लेजिस्लेशन मेड बाई द लोकसभा बाई मेकिंग प्रोविजन ऑफ रिविजन एंड थाट, यानी भले ही किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, मनी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, कुछ भी ऐसा चीज़ हो जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ लोकसभा की है कि वही उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो उस केस में भी अगर मान लो कोई भी लॉ लोकसभा के द्वारा लाया जाता है तो उसके प्रोविजन को रिवाइज करना, उसके उस पर विचार करना, उस पर डिस्कशन करना, वो तो एटलीस्ट राज्यसभा कर ही सकता है ना। तो एक तरह का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा वहाँ पे देखने को मिलेगा, बिकॉज यूटिलिटी अगर ज़ीरो होती ना तो राज्यसभा की कोई भी रोल नहीं होता, बट क्योंकि राज्यसभा के पास एटलीस्ट जा रहा है वो उस पर डिस्कस तो कर पा रहे हैं ना। सेकेंड पॉइंट है कि इट फैसिलिटेट गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट हु कैन नॉट फेस द डायरेक्ट इलेक्शन, द प्रेजिडेंट नॉमिनेट 12 सच मेंबर्स पर्सन्स टू द राज्यसभा। और सबसे बड़ी बात ये है कि राज्यसभा में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे प्रेजिडेंट जो है नॉमिनेट करते 12 ऐसे एमिनेंट पर्सन्स को, प्रोफेशनल को, एक्सपर्ट्स को, जो कहीं ना कहीं अपने एक पर्टिकुलर एक फील्ड से आते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट है वो कोई साइंस की फील्ड से आया है, कोई लिटरेचर की फील्ड से आया है, कोई किसी ने पर्टिकुलर सर्विस ऐसा दी है जो सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जब इस तरह के जब एक्सपर्ट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा में जो यूटिलिटी है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। बिकॉज एक तरफ हम लोकसभा में देखते हैं तो वहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, सिमिलरली राज्यसभा में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, कम से कम 12 ही सही, बट कुछ ऐसे मेंबर्स आए हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जब भी इस तरह का कोई लेजिस्लेशन लाया जाता है तो वो अपनी पर्टिकुलर राय, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं और किस तरीके से उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में चेंजेस लाने हैं, कुछ रिकमेंडेशन देना
देना है, अमेंडमेंट प्रपोज करवाना है, कुछ भी चीज़ है वो उसमें बेसिकली अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है कि इट मेंटेन्स द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट दी अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। तो जैसा कि हम जानते हैं राज्यसभा में क्या है, वो राज्यसभा बेसिकली एक फेडरल इक्विलिब्रियम को बनाने का काम करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो राज्यसभा क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वही अपने लोगों में से चुन के जो है राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेजते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि राज्यसभा जो है एक तरह का फेडरल इक्विलिब्रियम, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। वहाँ पे सेंटर का ऐसा कोई इंटरफेस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये तीन ऐसे हम कह सकते हैं प्रोविजंस हैं जो कहीं ना कहीं राज्यसभा की यूटिलिटी को हमेशा बरकरार रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा राज्यसभा जो है ना ही ज़्यादा वीक है और ना ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इट्स मतलब एक तरह का मिडिल पाथ जो है वो हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रोविजंस इसके कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट ने कुछ कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए अपने मेंबर्स को, वो भी हम देखेंगे। देन कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होता है और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, ये कुछ टॉपिक है जो भी हमारे पेंडिंग बचे हैं। देन ब्रीच अगर होता है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है, वो डिस्कस करना है। हाउस ऑफ प्रिविलेजेस क्या होता है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है, रिटर्न नेचर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इनके जो कि बचे हुए हैं, फाइनली पार्लियामेंट इसके बाद ओवर हो जाएगा। तो एक ही करके अभी हम जितना हो सकता है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो फाइनल वीडियो होगी इसके बाद, उसमें हम फाइनली पार्लियामेंट को ओवर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर दी स्पेशल राइट्स हैं, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस हैं जो इन्जॉय करते हैं बाय द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के मेंबर को और राज्यसभा के मेंबर दोनों को ही जो है ये प्रिविलेजेस जो है मिले हुए हैं। साथ ही साथ जो कमिटीज़, जितनी भी कमिटीज़ फॉर्म होती है पार्लियामेंट में और उनके मेंबर्स जो हैं उन सभी को ये राइट्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ जो है मिली हुई हैं। अब मेन चीज़ ये है कि जो राइट्स हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, उनको देने का मेन रीज़न क्या है। देखो, हर एक मेंबर, हर एक कमिटी का जो भी पर्सन है वो अपनी काम को इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अच्छे से जो है फ्रीडम के साथ काम कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी मेंबर होते हैं हाउस पार्लियामेंट के, उनको मेन काम क्या है, लेजिस्लेशन करना है, लॉ बनाना है। तो कई बार कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, उन अगर मैटर्स पर अगर लॉ बनाना है, उन मैटर्स पर अगर डिस्कशन करना है, तो कल को उनको कोई जज ना करे या फिर उनके ऊपर कुछ कार्यवाही ना हो, तो ऐसे सारी चीज़ों पे जो क्रिटिकल मैटर्स होते हैं उन सब चीज़ों में उनको डर ना लगे बोलने से पहले कि यार कल को कोई मुझे बाहर जाके कुछ बोल ना दे, मेरे पे कोई केस ना कर दे, तो इस डर से बचने के लिए उस फ्रीडम को, यानी ताकि वो फ्रीडम से अपना काम जो है, यानी जो उनका काम वहाँ पे उनको दिया हुआ है लॉ बनाने का, वो काम अच्छे से वो कर सके। इसीलिए ये इम्यूनिटीज़ उनको मिलती है कि जब तक वो अपने हाउस में है, जब तक वो मेंबर बने हुए हैं, तब तक उनको उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चला सकते। तो उस तरह के राइट्स जो है उनको मिले हुए हैं, ठीक है। तो दे आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शंस, यानी वो इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली अपने जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके, इसलिए जो है ये इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं। विदाउट दिस प्रिविलेजेस द हाउस कैन नाइदर मेंटेन दे अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर, नॉट दे प्रोटेक्ट देयर मेंबर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो वो रीज़न यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर प्रिविलेजेस अगर नहीं मिलेंगे तो वो उस पर्टिकुलर अपनी अथॉरिटी है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, डिग्निटी ऑनर जो है वो भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जो मेन काम था पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी अच्छे से डिस्चार्ज करने में उनको प्रॉब्लम आएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टू दोज पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी ऑफ इट्स कमेटी, यानी कि जो भी मेंबर है लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, इनको तो ये मिली हुई है, ये प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, बट इसके अलावा ऐसे कोई मेंबर जो कि लोकसभा के ना ही लोकसभा के मेंबर हैं ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं, बट वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं किसी भी हाउस की, ठीक है, कमेटी के कमिटीज़ को अटेंड कर सकते हैं, तो उन सभी मेंबर्स को भी इम्यूनिटीज़ मिलती है, भले ही वो लोकसभा के मेंबर हो या ना हो, राज्यसभा के मेंबर हो या ना हो, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि कौन ऐसे मेंबर हैं या फिर कौन ऐसा पर्सन है जो ना ही लोकसभा का मेंबर ना ही राज्यसभा का मेंबर है, बट उनकी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
ठीक है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर्स जो है, यूनियन मिनिस्टर जैसे कि हमारे एस जे शंकर जी हैं, अमित शाह हैं, तो ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं अपने अपने पर्टिकुलर हाउस के मेंबर हैं। मान लो जैसे एस जे शंकर हैं, अमित शाह है, वो लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है। बट अगर मान लो कि वो मिनिस्टर हैं, अब मिनिस्टर से कुछ भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी पॉलिसीज लाते हैं, उन पर डिस्कशन होता है, तो राज्यसभा भी वो चीज़ कर सकती है। तो अगर राज्यसभा में मान लो कुछ पोस्टिंग चल रही है, तो जो आपके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर है, वो भी जाके उसे अटेंड करेंगे। तो इस तरह से वो पोस्टिंग में पार्ट ले रहे हैं। तो क्योंकि वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले रहे हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उस प्रोसीडिंग को आके सुन रहे हैं, तो भले वो मेंबर हुए ना हो, बट इम्यूनिटीज़ उनको मिलेगी ताकि वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाएँ, ठीक है। तो वही बोला, इट मस्ट बी क्लेरिफाइड दैट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेजिडेंट हु इज़ ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोकसभा के मेंबर भी आते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी आते हैं, और प्रेजिडेंट भी आते हैं, और प्रेजिडेंट को इंटीग्रल पार्ट माना जाता है पार्लियामेंट का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी उनको मिल जाएँ। तो ये एक एक्सेप्शन आप ध्यान रखना कि प्रेजिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होने के बावजूद भी उन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलते। बट प्रेजिडेंट के बाद खुद की इतनी ज़्यादा इम्यूनिटीज़ होती हैं कि एज अ प्रेजिडेंट, एज अ कोई भी मेंबर, एज अ प्रेजिडेंट जब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, तो बहुत सारी इम्यूनिटीज़ उनको देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसे स्पेशल राइट्स हैं जो उनको मिले हुए हैं। जब इतनी सारी राइट्स इम्यूनिटीज़ उन्हें मिली हुई हैं, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह जाता उनके लिए, ठीक है। तो ये प्रेजिडेंट के पास कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज़ है, अगर ये आपको चेक करना हो, तो आप प्रेजिडेंट वाले टॉपिक को जाके एक बार देख सकते हैं। देन आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है क्लासिफाई किया जाता है दो ब्रॉड कैटेगरीज में। पहला है दोज दैट आर इन्जॉयड बाई द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कलेक्टिवली, यानी कुछ ऐसे प्रिविलेजेस है जो पर्टिकुलर हाउस जो है इन्जॉय करते हैं, यानी कुछ जैसे मान लेते लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस वो होते हैं जो पूरा का पूरा लोकसभा इन्जॉय करता है और राज्यसभा अपना एज अ हाउस इन्जॉय करता है। बट कुछ ऐसे इम्यूनिटीज़ मिली हुई है जो इंडिविजुअली हर एक मेंबर को मिली हुई है, यानी पर्टिकुलर मेंबर के पास कुछ ना कुछ ऐसे राइट्स हैं। तो वो क्या प्रिविलेजेस है वो हम देखेंगे, बट क्योंकि टॉपिक बहुत ही लेंदी हो जाएगा इस वीडियो के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, बिकॉज ये आगे फिर वही कंटिन्यू होता जाएगा प्रिविलेजेस वाला। तो उससे बेटर है कि कल की वीडियो में हम फ्रेशली इस टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको बेसिकली लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, उनका आंसर करना है, वो ये है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ जो है प्रोवाइडेड है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कुछ इम्यूनिटीज़ के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, देन आप उसको आंसर कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि किस तरीके से जो एडिशनल ग्रांट है वो डिफरेंट है एक्सेप्शनल ग्रांट से, मतलब दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है उनको किस बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन के थ्रू उनको बेसिकली इम्पीच या फिर रिमूव किया जाता है, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में वो बता रखा है, रीज़न बता रखा है उनके रिमूवल का, ठीक है। किस किस बेसिस पर उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन है, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, वो मिट चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि जो राज्यसभा में जो चेयरमैन है, ठीक है, उनको बेसिकली अपॉइंट कह सकते कैसे किया जाता है, ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है बेसिकली उनका। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो जॉइंट सिटिंग होती है किस किस कंडीशन में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, ठीक है, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ये पांच क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जिसके भी आंसर्स करेक्ट होंगे मैं उन्हें हार्ट का सिंबल दे दूँगी। बाकी आप चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली आने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर जो है पार्लियामेंट का एंड हो जाएगा, एंड लास्ट में यानी पार्लियामेंट का टॉपिक जब एंड होगा तो कुछ MCQs होंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगी, सो दैट आप अच्छे से उसको कर पाएँ। बिकॉज देखो मेन एम हमारा यही है, देखो किसी भी टॉपिक पे आपको जो है PhD नहीं करनी है, ठीक है।
इतना करना है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, एलिमिनेशन के थ्रू करो या फिर अगर आपको नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के उसके थ्रू करो, ठीक है। बट मेन एम हमारा ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसके आंसर्स आप कर पाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एमसीक्यूज है वो आप सॉल्व करो, बिकॉज कई बार क्या होता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स को टॉपिक का इतनी नॉलेज ना हो, बट क्योंकि वो एमसीक्यू का जो एप्टीट्यूड होता है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड बेसिकली वो एप्टीट्यूड होता है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर करके इतना सीख जाते हो कि आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि एग्जामिनर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू यानी किस माइंड को फ्रेम करके वो क्वेश्चन को बनाया हुआ है। तो उसके थ्रू आप जो बेसिकली है, क्योंकि आपको सही आंसर उस समय अच्छे से गेस नहीं कर पा रहे होते, तो आप जो रॉन्ग चीज़ें होती है उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे ही आप उनको एलिमिनेट करते हो तो आप सही आंसर तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हो। तो ये सब चीज़ें कब डेवलप होती है एमसीक्यू एप्टीट्यूड, ये सब होती है प्रैक्टिस के थ्रू। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज लगाओगे, ऑब्वियसली मैं आपकी हेल्प करूँगी उस चीज़ को बेसिकली करने के लिए। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है और जितना हो सके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप मेन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे तो वो एमसीक्यू एप्टीट्यूड आपके अंदर वो हो, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर पाओ, ठीक है। सो आज के लिए हम इसको वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। सो कल की वीडियो में अब हम मिलेंगे। ओके, देन बाय।